تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریا حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ کہہ دیو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا چار چیزاں ایسیاں نے جو قیامت کر جنہ دی شان مقام اور جنہ دی عظمت نو کوئی کائنات دا بدماش گھٹا نہیں سکدا اور چار چیزاں ایسیاں نے جنہ دی نسبت کائنات دے رب نال جڑ گئی ہے جدی نسبت کائنات دے اللہ نال ہووے پھر اس چیز نو رب مٹن نہیں دیا کردا اج انسان دی نسبت چودھری نال ہووے چودھری اپنی نسبت دا خیال کردا امام دے نال نسبت مقتدی دی جڑ جائے امام اپنے مقتدی دا خیال کردا وزیر اعلی دے نال نسبت جڑ جائے کائنات دا وزیر اعلی اپنے وزیر تے مشیر دی نسبت دا خیال کردا میں قربان جاواں اس کائنات دی اللہ دی شان کولو اگر اللہ دے مقام نو تکیا جائے ساری کائنات نالو اللہ اگر رب دی طاقت ویکھی جائے سارے بادشاہاں نالو اللہ اگر رب دی طاقت ویکھی جائے ساری کائنات دے ججاں نالو اللہ اگر کائنات دے رب دی قوت دیکھی جائے کائنات دے قوت دار لوگاں نالو کائنات دا کلا رب اللہ پھر او اللہ رب جدے نال چاراں دی نسبت جڑ گئی پھر اللہ اپنی نسبت دا آپ ہی خیال کردا جویں انسان دے نال تعلق جڑ جائے انسان اپنے تعلق دا خیال کردا میں قربان جاواں اپنے رب کولو میرے اللہ نے انہاں چاراں چیزاں دی نسبت نو اپنے نال جوڑیا پھر مٹان والے بڑے بڑے آئے اللہ پاک نے شاناں نوازیا او چار چیزاں کیڑیاں نے پہلے نمبر تے بیت اللہ جدی نسبت اللہ نال اللہ جڑ جانا اللہ دے نال دوسرے نمبر تے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑ جانا اللہ دے نال تیسرے نمبر تے کتاب اللہ اللہ دا قرآن اللہ جڑ جانا رب نال چوتھے نمبر تے اصحاب رسول اللہ پورے جمعے دے اندر انہاں چاراں چیزاں نو بھلنا نہیں چوتھے نمبر تے اصحاب رسول اللہ چاراں دی نسبت اللہ نال ہے وقت آیا بیت اللہ نو ڈاون واسطے ابرام دا
लश्कर भी आया। अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह दे उलाफ नू आम च ना आम दिती। एक वक्त आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मैं टाम वास्ते किधरे अबू जाल है, किधरे अबू लाब है, किधरे उतबा वे, किधरे उशैबा वे, किधरे मक्के दे सरदार ने, किधरे हशाम वाले ने, किधरे अराक वाले ने, मेरे मुस्तफा नू मिटाम दिया। बड़िया बड़िया कोशिशा कीतिया गईया, अज भी नाम कायम है, अज भी शाम कायम है, अज भी अजमत बुलंद ने। ना बैतुल्ला मिटिया, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मिटान वाले कुरान मजीद नू मिटान आए, किताबुल्लाह नू मिटान आए। किताबुल्लाह अज भी कायम है। कोई जरा वाले दे अंदर अल्लाह दे कुरान दी तुहीन करे, क्या कुरान दी अजमत अंदर जेर दी जितना भी फर्क आएगा नहीं आएगा। किताबुल्लाह अज भी कायम है। असहाबे रसूलुल्लाह चौथे नंबर दे निटाम वाले, शान अंदर कमी करन वाले, एक महीना पहले बड़े बड़े मां बारे अंदर बकवास आप करन वाले ने बकवास आप कीतिया, लेकिन सहाबा दा शान अज भी कुरान बयान कर दे। सहाबा दा मुकाम अज भी मिंबर तो बयान हुंदे। सहाबा दी अजमत दा तज़किरा अज भी तुराब तबूर इंजील कर रही है। ना बैतुल्लाह मिटिया, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दा नाम मिटिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना किताबुल्लाह मिटिया, ते ना बोलो असहाबे रसूलुल्लाह मिटन गए। इन्हां चारां चीजां नू कोई मिटा सकदा? इमाम नाल जवाब दो। इन्हां चारां दी निस्बत अल्लाह नाल जुड़ गई है, इन्हां चारां दी निस्बत अजमत वाले नाल जुड़ गई है। आइए नजर अल्लाह दे कुरान ते गौर फरमावो, इन्हां दी हिफाजत दी जिम्मेदारी उठान वाला कौन है? आसमान तो आवाज आई है, अल्लाह जुलजलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ओ बा बरकत अल्लाह जी जात जिस अल्लाह दी जात नू कुल शैइन कदीर कहा जांदा। अल्लाह दी जात ओ जात जिदे हाथ दे अंदर कुल कायनात दियां ताकतां ने, कुल कायनात नू अजमता अता करन वाला अल्लाह जुल जलाल है। कौन है कायनात दा रब? अल्लाह फरमांदे ने मैं बैतुल्लाह दी गल करा। अल्लाह पाक ने अजमता वाले कुरान अंदर तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी मैं बक्कत मुबारक वहुदल्लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने गल इन्ना तो शुरू की थी है। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतुन, अल्लाह फरमांदे ने सारे बड़े बड़े शहर नजर आनगे। ओ किधरे मिस्र दा दमकना, किधरे शाम दा लागा। अल्लाह फरमांदे ने किधरे कश्मीर दिया खुशहालियां। मैं कुर्बान जावा मक्के जिहा शहर कायनात अंदर कोई नजर नहीं आन वाला। अल्लाह पाक ने फरमाया वे इन्ना अव्वला बैतुन, अल्लाह फरमांदे ने पहले नंबर ते जेड़ा रूह जमीन दे ऊपर मेरा घर बनया वे। और नीले आसमान तले रूह जमीन ते जो अजमत वाला अव्वल नंबर ते टुकरावे ओनू बैतुल्लाह कहा जांदा है। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक
وهو دل العالمين. اللہ فرماندے نے برکتاں والا وے ہدایت والا وے اور جتھے ابو بکر نے تعلیم حاصل کیتی ہے او دا نام بیت اللہ اور جدے اندر عمر آیا اللہ فاروق اعظم بنایا جدے اندر عثمان آیا اللہ غنی بنایا اور جدے اندر علی آئے نے اللہ شیر خدا بنایا کنی عظمت والا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی دے حجرے تو لے کے بیت اللہ تکر ما بین بیتی و منبری روضت نریاض الجنہ. اللہ فرماندے نے اسا سارے دے سارے ٹکڑے نو جنت دا حصہ بنایا وے کنی عظمت والا ہے. اللہ پاک نے شان عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دا گھر بنایا وے. میں مختصر گل کرا نال دعا کر چھڈیے اے اللہ اس گھر نو آباد فرما. اللہ دے اندر ایک ایسا پیغمبر کل دے جو آ کے تیرے قرآن دیا اللہ تلاوت کرے کنی عظمت والا بیت اللہ. میرے پیغمبر علی صلوات و سلام جدے نال بڑا پیار کردے نے امام کائنات جناب محمد. گج کے بولو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والیاں نے ستایا وے. آپ مکہ چھڑ کے جان لگے نے کعبۃ اللہ تے نظر پیا نے نال اکھاں جو آنسواں دیاں جھڑیاں نے کعبۃ اللہ نو مخاطب کر دے نے تے نال آکا فرماندے نے او جاندا سی کعبۃ دل ایتھے پردہ نمازاں میں چاندا سی کعبۃ دل ایتھے پردہ نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر اولاد ناہیے نیک لاد خلیل دی مر مر پہ بیکن نالے ہم جو ہانے کیریاں اللہ چک لیاں ایتھو رزق دیا دیریاں کرزا نہ کرزا پھر میں زیارتاں تیریاں رب نو بات ملو مہوئی تقدیر دی کنی عظمت والا اللہ پاک نے شان عطا فرمایا نے لوگ دور دور تو چل کے بیت اللہ دا طواف کرن آندے نے ابرا ظالم نو گل گوارا نہیں ابرا ظالم اگے برد ہے ارادہ کر لیں داوے آندہ میں بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک بیت اللہ بنانا انہیں بیت اللہ بنا لے آوے لیکن اللہ پاک دی قسم ہے کوئی بیت اللہ دا مقابلہ کر سکدا بیت اللہ دے اللہ دا وی کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا. ابرا ظالم بے ایمانو گل گوارا نہ کیتے انہیں لشکر لے آوے ہاتھیاں لے لے یانے گوڑیاں نو لے لے اونٹاں نو لے لے آوے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر کے بیت اللہ نو ٹاون آیا وے آندا میں بیت اللہ دیا اٹاں نال اٹاں وجا دواں گا انہیں آ کے مکے دی حدود دے اندر اج قدم رکھے آوے میرے مصطفیٰ دے دادا جان دے عبد المطلب دے اونٹ چڑھ رہے نے انہیں اونٹاں نو کیڑا پا لیا ہے عبد المطلب نو پتا لگدا ہے ابرانے تیرے اونٹاں نو پکڑ لپتا وے حضرت عبد المطلب فرماندے نے ابرہا میرے اونٹاں نو کیوں جگر لے آئے
आंदा तेनू ऊंटा दा फिकर मैनू पता चलिया मक्के दा सरदार मैनू पता चलिया अकलमंद दनावे तेनू ऊंटा दा फिकर लगे मैं ते अज तेरा बैतुल्ला डावन आया फरमाया बड़ा गल सुन लैना बैतुल्ला मेरा नहीं ऊंट मेरे ने फिकर मैं करांगा बैतुल्ला जाने ते बैतुल्ला दा अल्लाह जाने जा बड़ा तेनू पुछ लवेगा अबड़ा अगे बढ़दा वे आसमाना ते तुम्मा पै गईया ने अल्लाह अज तेरा घर टाया जाएगा अल्लाह फरमांदे ने जिबरील फरमाया या रब्बे जलील हुक्म होवे अल्लाह फरमांदे ने जिबरील वेख ते सही ना अज अपने रब दियां ताकतां नू अल्लाह आवाज मारी अबाबिला नू बुलाया अबाबिला दे ने अल्लाह साडियां काबदियां लोरा पै गईया ने अल्लाह फरमांदे ने मैं कायनात दे लोकां नू दसना चाहना वा तबा मैं लोगां नूं दसना चाहना हर चीज ते कादर कौन है हर चीज ते कादर कौन है कायनात दा रब जे अल्लाह फरमांदे ने ए कैंकरा मुंह अंदर पा लवो एक एक बाबील तीन तीन कैंकरा उठा लवो एक एक मुंह अंदर पा लो दो दो कदम अंदर ले लो अल्लाह करना ते करना की है अल्लाह फरमांदे ने मैं दसना चाहना वा कमन फे आते कली अल्लाह ते गलाबत फे आता कसीरा तम देसन मैं दसना चाहना सुपर पावर ते कौन है कल्ला दी जात है मैं दसना चाहना वा हर चीज ते कादर ते कौन है परिंदियां दा हुक्मरान है अल्लाह जे दरिंदियां दा हुक्मरान अल्लाह जे हवावां दा हुक्मरान अल्लाह जे फिजावां दा हुक्मरान कायनात दा अल्लाह जे अल्लाह फरमांदे ने अपने अपने मुंह अंदर पा लवो आसमाना दियां बुलंदियां वालो डावो ना है बाबिलो डाए ने अल्लाह फरमांदे ने अबाबिलो नजरां ते झुकावो अल्लाह बहुत बड़ा लश्कर है हाथियां भी कौन ले तलवारां भी कौन ले कमान भी कौन ले अल्लाह तीर भी कौन ले असा इतने इतने कैंकरा नल के बनेगा आसमाना तो आवाज आइए अलम तारा कई फवाला रबो का बेसा मिल फील अलम निया जाल कई दा हम फी तजलील वार साला अलैहिम तैयरन अबाबी अल्लाह फरमांदे ने ओ परिंदे ओ कैंकर सुट देना तुहाडा काम है अबरा नू नेस तो नबूज करना मैं कायनात दे रब दा काम है इना कैंकर बरसाने अल्लाह पाक दी जात ने एटम बंब बना दिते ने अबरा नू तबाह बर्बाद करके ते बैतुल्लाह दे खिलाफ नू भी आम च नहीं आए है ताकत दा मालिक बोलो कौन है कायनात दा रब ताई ते कुरान आंदा वे लिल्लाह मुल्क समा वाते वल अर्ज जमीना समाना दा बादशाह वे ते कल्ला जे जमीना समाना दिया कुवता रखने वाला एक कायनात दा रब जे फिर क्यों ना मैं कह जावा
हर शह पे कादर कदीर है तो जो चाहे सो करके दिखा देना में अबरा आया सी बैतुल्ला नू डावन लई अबा बिल्ला नू हुकम सुना देना में और मुंह बिचो कंकर केर देने तू ओम नाम दे एटम बम्ब बना देना वे हर शह पे कादर कदीर है तो जो चाहे सो करके दिखा देना वे अबरा जालम दे ईमान ने बैतुल्ला नू डामन दिया वरिया कोशिशा कीतिया ने पर रब्बे काबा दी कसम उदो बड़ा गुस्ताख सी अज दे भी बड़े बड़े बैतुल्ला दे गुस्ताख ने कोई आराम दे अंदरों मजाल छड़ दे अल्लाह पाक दी कसम अपने आप नू शियान अली कहलाने वाला अमेरिका चो मजाल छड़िया चंद साल पहले अल्लाह ने रस्ते अंदर मजाल नू तबाह करके बैतुल्ला दी अजमत नू बरकरार रखे आवे रिम दी दुनिया तिकर ना अल्लाह दी अजमत नू कोई मिटा सकदा जो अल्लाह दे नाल निस्बत जुड़ी है ना कोई बैतुल्ला नू मिटा सकदा वे बैतुल्ला कल भी चमकदा सी कयामत तिकर दमकदा रहेगा हां कोई इंशाल्लाह कोई बैतुल्ला नू मिटा सकदा नहीं जे मिटा सकदा ऐ ते इन्ना लोगां नू पुछ ला जिन्ना दे दिल अंदर बैतुल्ला दी तमन्ना वे उन्ना लोगां नू पुछना जिन्ना दे दिल अंदर बैतुल्ला दी मोहब्बत है पर बाबे ने बड़ी मोहब्बत अंदर नक्शा खिचे आवे अंदा अल्लाह मुद्दत गुजरिया सह कदयानू उन जोगी सा गबना ने नू जी कर दा अल्लाह तेरे कर दे दवाले नस नस के हुन फेरिया पा नू जी कर दा अल्लाह तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे बुए बिच रख रख सर वेखा ओ जिथे एक नमाज दी एक लख बन दी उथे उम्र लगा ननू जी कर दा अल्लाह तेरे कर दे दवाले नस नस के हुन फेरिया पा नेनू जी कर दा अल्लाह सफा मरवा तेरे शायर ने इन्ना दुआ विच मंगया शायर ने अल्लाह माई हाजरा वांगो बेसबरी नल हुन फेरिया पा नेनू जी कर दा अल्लाह जी कर दा जी कर दा सबज गुंबत अखिया विच फिर दा अल्लाह जुन सारी दुनिया अल्लाह जिन सारी दुनिया ठार दिती साडा भी ठंड पा नेनू जी कर दा अल्लाह पल्ला चुक के काबे नसीने तो हुन सीना नाल लगा नेनू जी कर दा सुभान अल्लाह टिल्ली जरा डाट कवो आते हो बैतुल्ला वे जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतुं उसे आलम नाज लल्ला जिये बे बकादा मुबारक वगो दल्लल आलमी
बैतुल्ला नू कोई मिटा सकदा ही नहीं जे बैतुल्ला दी निस्बत अल्लाह नाल दूजी निस्बत दी गल करा टाइम इजाजत नहीं दे रहा दूजी निस्बत बड़ी अल्लाह वे अगर जिदे दिल अंदर प्यार है गज के नाम सुन गए सल्लल्ला पर जावे और दूजी निस्बत जिदा तज़करा करना जाना इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले सी बैतुल्लाह हुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पाक ने अपने नबी नो आखरी नबी बना के भेजा मेरा नबी आया अजमत लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह हुसन दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह किताब दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह उलाद दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह अजमत दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह शाम दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह नाम दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह चर्चे दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह बुलंदी दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह सफर दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह हजर दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह सुसर दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह दिमाग दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह लीडर दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह इमाम दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह खतीब दे लिहाज नाल वेखा कायनात नाल अल्लाह अगर निस्बत दे लिहाज नाल वेखा बोलो कायनात नालो अल्लाह नजर आएगा केरा मुस्तफा वे अल्लाह फरमांदे ने मागाना मोहम्मद अबा आहदम मेरे जाल कम वाला के रसूल अल्लाह व खादम नबीन अल्लाह पाक ने शाना दितिया ने मेरे मुस्तफा दा निकाह 25 साल दी उम्र च सैयदा खतीजा दी 40 साल उम्र निकाह होया अल्लाह पाक ने पहला पुत्र कासम अता फरमाया जिदे नाम ते मेरे नबी ने अपनी कुनियत रखी है अबुल कासम अल्लाह दिया मर्जिया ने अल्लाह ने बच्चा वापस बुलाया अल्लाह पाक ने फिर पुत्र अब्दुल्ला ता फरमाया अल्लाह ने अम्मा जी खतीजा जो पुत्र अब्दुल्ला भी वापस बुलाया तीसरा पुत्र इब्राहिम हजरत मारिया कितिया दे अंदरो अल्लाह पाक ने ता फरमाया मेरे इब्राहिम दी 18 महीने दी उम्र है मर्जियां दा मालिक अल्लाह जे अल्लाह चावे औलादा जवान कर देंदा अल्लाह चावे जवाना दिया डोरियां तोड़ देंदा अल्लाह चावे बुढ़े वेले इको पुत्र अता करे अखां दी ठंडक होवे बुढ़ेपे दा भावें सहारा ना ही बने अल्लाह फुल मुरझा दिया कर दे अल्लाह नू कोई उठने वाला नहीं अल्लाह तू एंज नहीं ते एंज करना मेरे इब्राहिम दी मोहब्बत अल्लाह दे नबी दे दिल अंदर बड़ी है पर 18 महीने आंदे मेरे नबी दे दुश्मन चार चुफेरे ने किधर अबू जहल मुखालफत कर दे किधर अबू ला मुखालफत कर दे किधर मक्के दे लोगों ने ऐलान कर दिता उकतलो मुहम्मद अब्दुल्ला दे पुत्र मुहम्मद नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिता जावे ना प्यो दादे दे दीन दे मुखालफत करेगा ऐ चार चुफेरे मुस्तफा दे दुश्मन ने फिर कहन वाला दावे एक कली ओ दी जान सी ओ दा दुश्मन सारा जहान सी है सच्ची गल ते मिठी है जुबान सी है तायों कायनात उते छा गया है जगां दाए पीर कुल जग नू जगा गया
खुली हुई है कामनो सिद्धे राय पा गया लोर नहीं सो रैन दिती है उड़ा परा जान दी जग बेच तुम पै गई है नबी सुल्तान दी किनिया अजमत वाले अल्लाह पाक ने पुत्र अता किया 18 महीनों दा रिरम तो बाद चलन दा वल आया आका दे दिल अंदर पुत्र दी बड़ी मोहब्बत है दो बच्चों दा सदमा भी है अल्लाह ने आज पुत्र वापस इब्राहिम नु बुला लिया असावा वाली डोरी अल्लाह दे नबी दे हत्तां दे अंदर टूट जांदी है आका मस्जिद चो काड़ा ने बच्चा खेल दिया अचानक गिर जांदा वे आका ने अपनी गोद अंदर ले आवे औलादां वाले ओ पुत्रां वालो धीयां वाले ओ रब्बे काबा दी कसम है बाप ते गवारा नहीं करदा उत्तर दे कदम च कंडा लग जाए मां कुर्बान हो जांदी है बाप कुर्बान हो जांदा है ते तेरा दिल एक मेरा दिल एक सरवरे कायनात दा दिल एक रहमत अल आलमीन दिल एक रकीकुल कलब दिल एक मोहब्बत वाला दिल एक नरम दिल मेरे आका ने इंज पुत्र नू उठाया ते इंज सावा वाली डोरी अंदर टूटदी जा रही है अखां तारे लगिया ने मौत दे झटके लग रहे ने ते मेरे मुस्तफा दा पुत्र इब्राहिम दुनिया छड़ गया आ कोई इन्ना लिल्लाह आ गए व इन्ना इलैहि राजिऊन मौत दा कोई तबार नहीं वीरिया सोचिया ते करना है जवानिया टह जानिया ने पर उल्फत ने नक्शा खिंचया अंदा तेरी मौत दा कोई इतबार नहीं सदा है लगना बाजार नहीं अगो सौदा लबना नगद उधार नहीं कहो ला इलाहा पिछले भी बोलो कहो ला इलाहा पिछले नहीं बोल दे पढ़ लो अल्लाह मरदे वक्त नसीब कर देगा पर अल्लाहा तेरी मौत दा कोई इतबार नहीं सदा है लगना बाजार नहीं अगो सौदा लबना नगद उधार नहीं कोला इलाहा इल्लल्लाह कई अस दुनिया अंदर हसदे ने कई उजर जांदे कई वसदे ने कई हसदे इत्थो नसदे ने कोला इलाहा इल्लल्लाह ना मकान तेरा ना दुकान तेरी ना मकान तेरा ना दुकान तेरी ना रोब रहना ना शान तेरी बेच तकलीफा निकले जान तेरी कोला इलाहा इल्लल्लाह मेरे पैगंबर दा तीसरा पुत्र भी दुनिया छड़ गया अबू जाल ते अबू लाब ने दारुन नदवा दे अंदर मीटिंग नू बुलाया वे आंदे ने मक्के वाले ओ उतबा ते उशैबा मुहम्मद दा इलाका छड़ दवो एदियां दुश्मनिया तो बाज आ जावो एदे पुत्र ही नारे एदा नाम ही मिट जाएगा एदे बेटे ही नारे एदा निशान मिट जाएगा उलादां वाले ओ वालदैन दे नाम पुत्रां नाल जिंदा हुंदे ने ए अल्लाह मैं बाप बरकत दे दुआ करना इस मजमे दे अंदर जितने बे औलाद ने अल्लाह ने कुलाद अता फरमा
अल्लाह मेरा वीर दिशा अल्लाह बे औलाद अल्लाह अपनी रहमत नाल औलाद ने कता फरमा अल्लाह मैं किदा किदा नाम लवा तू जानन वाला अल्लाह तू ते जानना वे काफरा ने कहा मुहम्मद दा लागा चढ़ दवो एदे ते पुत्तर ही ना रे एदा नाम मिट जाएगा एदा शान मिट जाएगा आसमाना तो आवाज आई है अल्लाह फरमांदे ने अबू जाल ते मिट जाएगा अबू लाब मिट जाएगा उतबा मिट जाएगा उशैबा मिट जाएगा अल्लाह फरमांदे ने सरदार मिट जानगे वा रफाना लागा जिक्र अग ओ सोनिया तेरा नाम ही ऐसा ऐसा बनाया वे जरा मिटन वाला नहीं अल्लाह फरमांदे ने इन्होंने इरादा कर लिया कतल करम दा तलवारां लेके आ गए ने दरवाजे च खड़े ने आंदे ने अज नाम मिट जाएगा ओ कतलो कतल कीता जाएगा आका फरमांदे ने ऐ अल्लाह अज ते अपने दुश्मन बन गए ने अल्लाह अपने ने कतल करम दा इरादा कर लिया अल्लाह फरमांदे ने सोनिया गम जदा नहीं होना तेरी निस्बत मेरे नाल जुड़ी है मट्टी पकड़ ले हत्थां च पा ले सुट देना तेरा काम है जिन्हां दी अखियां अंदर पवेगी ओ भी अन्ने हो जानगे सोनिया जिन्हां दे नहीं पवेगे मैं रब उन्हां नूं भी अन्नियां कर दवांगा ओ सोनिया मैं रब ते उन्हां नूं भी अन्नियां कर दवांगा त्या चल दिया तलवारां थलो अज ना मैं तेनू बचाया ते मैनू रब कौन कवेगा मैनू मुश्किल कुशा कौन कवेगा मैनू हाजत रवा कौन कवेगा चल दिया तलवारां थलो अल्लाह ने बचाया अपने पैगंबर नो ते नाल अल्लाह फरमांदे ने तबारक अल्लाजी ने आदे गल मुल्को आला कुल शैया कदीर इन्नल्लाह आला कुल शैया कदीर आंदन अब्दुल्ला दे पुत्र दा अज नाम मिट जाएगा आसमाना तो आवाज आई है अल्लाह फरमांदे ने सोनिया गम जदा नहीं होना की होया जे कासम वापस बुला लिया की होया जे अब्दुल्ला नू मैं वापस बुला लिया की होया जे इब्राहिम नू वापस बुला लिया सोनिया तेरा नाम निटान वालिया नू मैं पैगाम सुनाना चाहना वारा फाना लाका जिक्र अजान मेरी होएगी नाम तेरा होएगा किताबुल्लाह मेरी होएगी तज़किरा तेरा होएगा जिब्रील मेरा होएगा गुलाम तेरा होएगा फरमाया सोनिया बंदे मेरे होंगे उम्मती तेरे होंगे अबू बकर मेरा होएगा सुसर तेरा होएगा सोनिया फरूक मेरा होएगा सुसर ते गुलाम तेरा होएगा उस्मान मेरा होएगा दिमाग तेरा होएगा अगर मशरक वाल वेखेंगा नामे मुहम्मद मगरब वाल वेखेंगा नामे मुहम्मद शमाल वाल वेखेंगा नामे मुहम्मद जनूब वाल वेखेंगा नामे मुहम्मद तुराब च पढ़ेंगा नामे मुहम्मद जबूर च पढ़ेंगा नामे मुहम्मद इंजील च पढ़ेंगा नामे मुहम्मद कुरान च पढ़ेंगा नामे मुहम्मद नमाज अत्तहियात च पढ़ेंगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद नमाज अंदर नामे मुहम्मद जिब्रील दी ज़बान ते नामे मुहम्मद चंद दी ज़बान ते नामे मुहम्मद दरख्तां दी ज़बान ते नामे मुहम्मद अबू जाल दी मुट्ठी अंदर कैंकड़ियां दी ज़बान ते नामे मुहम्मद फिज़ा अंदर नामे मुहम्मद हवा अंदर नामे मुहम्मद ताइफ वालिया पर
पत्थर मार के कटिया ए मुहम्मद असा तेनू नहीं मन दे। अल्लाह फरमांदे ने सोने ताइफ दे पंज मीनारे पंज वक्त गूंजन गे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अज नहीं मन दे मैं कयामत कर रब कौन कहेगा ताइफ अंदरो पंज वक्त तेरे नाम दी सदा नगूजे। अल्लाह फरमांदे ने परिंदे ने जबान ते नाम मुहम्मद परिंदे ने जबान ते नाम मुहम्मद वहाबी है नाम मुहम्मद जो बंद नाम मुहम्मद बरेलवी है नाम मुहम्मद। फरमाया सोने है ते कहंदे ने मिट जाएगा ओ था नहीं जिथे मुहम्मद दा नाम नहीं। कौन है मुस्तफा जिदे नाम ते आज कोई गुस्ताखी करे ते मेरे मुस्तफा दी अजमत अंदर फर्क हो सकदा। और गज के बोलो पहले नंबर ते बयान कीता बैतुल्ला निस्बत अल्लाह नाल दूजे नंबर ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निस्बत बोलो किदे नाल है कायनात दे अल्लाह नाल है। तीजे नंबर ते किताबुल्लाह निस्बत बोलो किदे नाल है अल्लाह नाल। किताबुल्लाह किन्नू के आ गया जिदे अंदर नमाज दा तज़किरा किताबुल्लाह किन्नू के आ गया जिदे अंदर बाप दी हयात दा तज़किरा। किताबुल्लाह तो मुराद रब दा कुरान है बोलो रब दा जिमें बैतुल्लाह नहीं मिटिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मिटिया एवें किताबुल्लाह भी मिट सकदा। और गज के बोलो मिट सकदा है। 30-40 किलोमीटर दूर जरा वाले दे अंदर है चंद दिन पहले कुरान करीम दी उस्ताखी करन वाले जालम ईसाई ने उस्ताखी की थी। अल्लाह पाक दी कसमे मैं वक्त दे हुक्मरान अगे गुजारिश करना चाहना अगर एक भी गुस्ताखे कुरान लो गुस्ताखे रसूल लो चौंक अंदर ले आके फांसी टंगिया हुंदा। आज कोई किताबुल्लाह दी तुहीन कर सकदा ना करदा नजर आंदा। और जालिमो तुसी में टाम ते आयो रब शानक निया दितिया मैं बैतुल्लाह तो बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद किताबुल्लाह दा तज़किरा करा वक्त बहुत थोड़ा वे इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे अल्लाह पाक ने कुरान नाजल फरमाया। अल्लाह मैं पूछना चाहना वा किनिया जमतां वाला कुरान किनिया जमतां वाली किताबुल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने जिस रात दे अंदर नाजल फरमाया वे पूरे साल दिया रातां मिल जान उस रात दा मुकाबला नहीं दे जिस महीने दे अंदर असा नाजल फरमाया 11 महीने मिल जान उस महीने दा मुकाबला नहीं जे हो सकदा। अल्लाह कुरान दे परवाने मोर खुंडे दे जवान इर्दा गिरा तो आने वाले मेरे वीर ते बुजुर्ग मेरी मामा भैना पुछ दिया ने किनी अजमत वाले और रात जदो कुरान आया सुनी ते तरप जावे। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अनज़लनाहु लैलतुल कदर बैतुल्लाह दीवारी ते लबने लफज इन बोले है इन्ना अव्वला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दीवारी अल्लाह लफज इन बोले है इन्ना अरसलना का शागिदं व मुबशिरं व नज़ीरा ते किताबुल्लाह दियां वारियां ने अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अनज़लनाहु लैलतुल कदर व मौअदराका मा लैलतुल कदर। अल्लाह फरमांदे ने जिस रात अंदर कुरान आया और रात लैलतुल कदर दिए अजमत वाली है अल्लाह उस रात का महीना भी होवेगा। हाँ हाँ अल्लाह फरमांदे ने महीना कह रहा वे शाहरुर रमजा नल्लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान
अल्लाह फरमांदे ने ओ महीना आम महीना नहीं जे एक लफज पढ़िया अल्लाह सत सोने किया देंदा केरा किताबुल्ला कुरान ए इमाम शाहवलीउल्ला मुहद्दस दिल भी ने अपनी किताब अंदर वाकया दर्ज किया वे फरमाया एक मुसलमान दी बेटी है एक काफर दी बेटी है ए नांदुमान दा पसंदर बड़ा ताल्लुक ते वास्ता वे लेकिन जिल्ले अजान हुंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मुसलमान दी बेटी एदे कोल उठ जांदी है काफरा दे कोल उठ गए अल्लाह दे सामने नमाज पढ़दी है ते कुरान पढ़दी है इमाम शाह वलीउल्ला अल्लाह दे वली मुहद्दत दिल वे लिखदे ने एदे दिल अंदर ख्याल आया काफर दी बेटी अंदर इतना अच्छा ताल्लुक है आवाज आंदी है उठ के चली जांदी है मैं वेखां ते सही ना जांदी किथे वे तेने कन लाया ते अल्लाह दे वलिया कुरान पढ़दी है मुसलमान दी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हर दिए कायनात दे लोको ज़ालिकल किताब किताबां ते बढ़िया बढ़िया आई ते तुरात भी आई ते ज़बूर भी आई ते इंजील भी पर ऐना नाल अल्लाह ने इंतखाब नहीं जे किता अल्लाह फरमांदे ने ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन कुरान सुनदी है ते आंदी है आंदी किन्नी आला किताब है अल्लाह मुकद्दर बदलन लगा आंदी है सहेलिए है कुरान ते मैनू भी देना है किताब ते मैनू भराना आंदी है पहना है किताब पाके पहले गुलाम बनना पवेगा पहले इमामे कायनात नो मनना पवेगा पहले कलमा पढ़ना पवेगा पाक कुरान है पाक हाथ लगन गे इन्हें कलमा पढ़े इन्हें तोहफे दे अंदर मुसलमान दी बेटी ने कुरान दे छड़े है इन्हें अपने कमरे दे अंदर कुरान पढ़ दिए कमरा बंद कर दें दिए बढ़िया यारियां अल्लाह दे कुरान नल जोड़िया ने इन्हें दिल अंदर ख्याल आया हुन तेरी मौत दा वक्त आ रहा है इन्हें सोचे मैं मर गई मेरे घर वाले अल्लाह दे कुरान दी गुस्ताखी ना करन इन्हें मट्टी दा आला बनाया आला बनाने तो बाद कुरान अंदर रखे आवे उसे रात अंदर नमाज पढ़ रही है अल्लाह पाक ने सजदे अंदर रोनू परवाज कर ले आवे बाप नू पता चले है बेटी मर गई है बेटी फोत हो गई है दरवाजा खोले आ अंदर आए ने आके वेख्या बच्ची फोत है इन्हां ने अपने हिंदुआं दे अपने हिंदू नू बुलाया और बेटी नू लकरां ते लिटाया अपने अकीदे दे मुताबक बच्ची नू लिटा के अगला छड़ी है अल्लाह पाक दी कसम है शाह वलीउल्ला लिख दे ने लकड़ा सारिया जल गईया ने एदे सर दा एक वाल भी नहीं जलिया ते कहन लग्या मैनू इंज लगदा जिवें बच्ची मुसलमान हो गई है एदे कमरे दी तलाशी लीती जावे बाप तलाशी लैन आया इन्हें वेख्या ताजी मट्टी लगी है इन्हें आला पटिया वे अंदरों रब दा कुरान कढ लिया इन्हें दे सीने ते रखिया फिर लकड़ा रखिया ने अग ला दिती गई है बड़े बड़े झगड़ां दे नाल अग नू जलाया गया लकड़ां जल गईया खाक बन गई है रब्बे काबा दी कसम है ना एदा बदन जलिया ते ना रब दा कुरान ही जलिया वे ते फिर पैना पै गया फिर कहना पै गया आंदे ने सारे दे सारे अशहादु अल्लाह
कुरान दिया बरकत सारे दे सारे मुसलमान हो जाते ने। मेरा ईमान है जो कुरान नाल यारी ला जो दुनिया की अग नहीं जला सकती जहन्नम की अग भी तेनू नहीं जला सकते। कोई जरा वाले दे अंदर खड़ा होके कुरान की तुहीन करे मैं कायनात दे पादरियां नू पैगाम देना चाहना रब्बे काबा की कसमे कायनात दे यहूदियां नू पैगाम देना चाहना आलमी कुफर नू पैगाम देना चाहना अगर तुसा अल्लाह दे कुरान दी तुहीन करन तो बाद ना आए इंशाल्लाह असी ते तुराब दा अदब करन वाले आ असी ते इंजील दा अदब करन वाले आ असी ते रब दे हर पैगंबर दा अदब करने आ रब दी हर कली होई किताब दा एहतराम करने आ। अगर तुसा बाद ना आए इंशाल्लाह एक एक पादरी कोलो इंतकाम बदला लिपता जाएगा। अज तो बाद कोई करिंदा जालम कुत्ता बदमाश खड़ा होके कुरान दी तुहीन करे इंशाल्लाह जामिया मस्जिद अक्सा दे अंदर मलकाबाद चो जवान निकलेंगे उस तमाश बीम दा सर तन तो जुदा करके सा लवांगे हुक्मरान अगे अपील करना अहले हदीस बरेलवी देवबंदी सुन्नी ना कुरान दी जात ते ना कुरान दी जबरां ते ना कुरान दिया जेरां ते। कुरान अल्लाह ने दो हिस्से अंदर नाजल फरमाया एक हिस्सा मक्के आया दूजा हिस्सा मदीने आया। मक्के आया तद भी अल्लाह मदीने आया तद भी अल्लाह कायनात मिल जावे पाबरी मिल जाओ ईसाई मिल जाओ यहूदो नसारा मिल जाओ कुरान नु कोई नेटाम नहीं सकदा किताबुल्लाह नु कोई खत्म नहीं कर सकदा। अल्लाह पुछदे ने क्यों खत्म नहीं हो सकदी एक उराक ने एक वरक ने आसमान तवाज आई इन्ना नहनु नज़ल्ला ज़िक्रा वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून एदी हिफाजत दी जिम्मेदारी ना अपने पैगंबर नु नहीं दित्ती सद्दीक नु नहीं दित्ती फारूक नु नहीं दित्ती उस्मान नु नहीं दित्ती अली नु नहीं दित्ती। अल्लाह क्यों नहीं दित्ती फरमाया नबी मेरा आएगा दुनिया छड़ जाएगा सहाबा आनगे दुनिया छड़ जाएंगे वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून एदी हिफाजत मैं आप करांगा रब हय्युल्ला यमूतु रब ते मौत नहीं आएगी आबादन आबादा बका रवेगा अल्लाह रवेगा। फरमाया जिवे मैं नहीं मिटांगा कुरान भी मिट सकदा हो जिदी हिफाजत रब करे फिर ओनू कोई मिटा सकदा हो गज के बोलो मिटा सकदा नहीं जे मिटा सकदा है। तीजे नंबर ते किसी किता गज के बोलो किता किताबुल्ला तीजे नंबर ते चौथे नंबर ते असहाबे जिदा जिदा प्यार सहाबा नाल गज के कहो असहाबे रसूलुल्ला सहाबे हो मैं गल मुकान लगा गज के बोल असहाबे मां नी देर अगे नहीं जाना जिनी देर उन्हां दे नाम दी तो मना पै जाए असहाबे रसूलुल्लाह पिछे तिकर माशाल्लाह मजमा जे सहाबा दे दीवाने आंदा है बड़े बड़े आए जिन्ना ने कहा हसी सहाबा दा हसी सहाबा नू नहीं मन दे हसी अमीरे मुआविया नू नहीं मन दे हसी सद्दीक नू नहीं मन दे। ओ जालिमा तू मन या ना मन तेरे वड्डे मन गए तू मन या ना मन कायनात दा रब उन्हां नू मन दे और जिन्हां दी शाना रब बयान करे उन्हां नू मां बारे दे स्पीकरां च शान दी लोर उन्हां नू जाकरां दी जबान तो शान दी लोर और जिन्हां दी शाना शाना वाला बयान करे उन्हां दे मुकाम दा क्या कहना आओ ना जरा तंज झलकियां दिला के
गल मुकदी मुकावा। चौथे नंबर ते जिदा तालक ते निस्बत है ओ सहाबा असहाबे रसूलुल्लाह कुरान को लो पूछिए अल्लाह के रे सहाबा अल्लाह फरमान दे ने फा इन आमनो बे मिसलमा आमन तुम बेहिए फाका देता दो जिनों जिनों पे आ रहे फिर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमान देने अल्लाह फरमान देने एक हिजबुल्लाह एक जमात नून लीग है एक जमात पीठी आई है एक जमात तीर मार का। अल्लाह पाक दी कसमे वक्त आया शेर मार का मिट गए थे इमरान खान आ गया वक्त आया इमरान खान भी आज जेल अंदर बंद है हाथ दुनिया दिया जमात ने एक अल्लाह दी जमात है ओ केरी जमात है उला एक हिजबुल्लाह सहाबा दी जमात है नबी दे यारां दी जमात है नबी दे वफादारां दी जमात है वा वा बाग मुहम्मदी सोना ते जिस दा माली सोना सैयद अशरफ सब जग नालो पाक जमालो सोना केरे सहाबा ने अजहाब नबी दे प्यारे ने अजहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन आका तो वारे ने ओ मेरे नबी दी अखियां दे तारे ने कौन से आबा ने अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल फायजून। अल्लाह फरमांदे ने कौन वबशर लज़ीना आमनो वामिलु सालिहात अन्न लहुम जन्नातें। ओ जनता दे वारस ने काफर आंदे ने दुश्मन आंदे ने उस वक्त अबू जान ने सहाबा नु गवारा ना किता अज भी काला गवारा नहीं करदा। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोको वहाबियत सुन लवे सुन्नियत सुन लवे जो बंदियत सुन लवे शियावियत सुन लवे यहूदियत सुन लवे ईसाइयत सुन लवे नसरानियत सुन लवे मजूसियत सुन लवे सिखियत सुन लवे फाइन आमनो बे मिसलमा आमन तुम बहिए फाका देता दो। अल्लाह फरमांदे ने एम जे मान लैके आओ जिमें अबू बकर लैके आए ने एम जे मान लैके आओ जिमें उस्मान लैके आए ने उमर अली लैके आए ने। अल्लाह फरमांदे ने उन्नी देर तिकर तुसी हदायत वाले नहीं हो सकते जिन्नी देर तिकर तुसा असहाबा जैसा ईमान न ले आंदा कौन साहबा ने जिन्ना दा दिफा अल्लाह करदा। अल्लाह फरमांदे ने ला ता सब असहाबी सोने महबूबा कह दो ना जिन्ने सहाबा नो तबर्रा बोलिया उन्हें मुहम्मद नु तबर्रा बोलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ने मैनू तबर्रा बोलिया उन्हें जबरील नु मंदा बोलिया जिन्ने जबरील नु बोलिया उन्हें रब्बे जलील नु मंदा बोलिया कौन सहाबा दी जमात है जिन्ना दे हत्ता दे उते अल्लाह तरह के फरमाया यदुल्लाह के फौका हई दी गम
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗੱਤ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੱਤ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਰਾਤ ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਸਮ ਸਹਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਸਮ ਸਹਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਸਮ ਸਹਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋ ਸਮ ਸਹਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਮ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਵੇ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਚ ਭੌਂਕਣ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾ ਬਰਸਾਏਗਾ ਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਦ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੇਗਾ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਚਮਕ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਣਗੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਧਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਟਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨਟਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਨਟਾ ਸਕਿਆ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨਟਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਪੜਨਾ ਛੱਡਦਾ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀਆ ਮੁਖਾਲਫਤਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਵੀ ਦਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਦਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੜਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਆਂਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਬਰਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਬਰਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਹਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਬਰ ਇੱਕ ਲੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ 500 ਲੈ ਕੇ ਦਮ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਸਮਝ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਲਈ ਜੇ ਦਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਮ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਦਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮ ਜਬਰੀਲ ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਮ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਦੀਸ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਹਾਬਾ ਦਮ ਕਰਕੇ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਦਮ ਵਾਲੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਵੇ
सहाबा दम किया यजदानी दम कर दे सहाबा ने रफाया दम किया यजदानी रफाया दम कर दे सहाबा क्या अल्लाह दी जात दे सिवा कोई इलाह नहीं मैं हर रोज कहना अल्लाह दे सिवा कोई इलाह नहीं सहाबा मारा खा के हक सुनाया मैं गोलियां दो बदन ते खा के हक सुनाया अल्लाह दी रहमत नाल जिन्नी देर जिंदा रवांगा बैतुल्लाह दा भी तज़किरा करांगा किताबुल्लाह दा भी तज़किरा करांगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा भी तज़किरा करांगे असहाबे रसूलुल्लाह दा तज़किरा भी करांगे उन्हां दे नाम ते मर भी जावांगा को इंशाअल्लाह हाँ कोई इंशाअल्लाह ओ हक नहीं हुंदा जो सीना चीर न जावे ओ हक नहीं हुंदा जो गैर नु तरफा न जावे इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगा अल्लाह दी रहमत दे नाल कोई जबान मैनू सहाबा दी अजमत बयान करन तो रोक नहीं सकदी सहाबा भी अजमत वाले सहाबा दा महबूब भी बोलो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा होएगा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दे हवाले नाल आप दी सीरत आप दी जिंदगी क्या सी किस कदर आपने अपनी जिंदगी गुजारिया अल्लाह को दुआए अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए वा आखिर दावना अनिल हम्दुल इल्लाह रब्बिल आलमीन।